सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। किदा फिर वधिया सारे। तो आज फिलहाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला कंटेंट। तो लाइक आप में से काफ़ी लोगों ने जो है ट्रक्स के बारे में भी यहाँ पे डिमांड की थी कि ट्रक्स के बारे में भी बताओगी, क्या कुछ उसकी प्राइसिंग वगैरह रहती है एंड कौन कौन इसे खरीद सकता है, क्या कुछ इसके लीगल प्रोसीजर्स वगैरह रहते हैं खरीदने के। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज जो है आपको अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज़ पता चलने वाली है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप जो है इसे खरीद सकते हैं एंड क्या प्रोसीजर रहता है एंड कितने दिन लगते हैं इसे खरीदने में या ऑन स्पॉट आप खरीद सकते हैं। हर एक चीज़ प्रॉपर आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे बताते हैं। तो जी फिलहाल अगेन आ चुके हैं हमारे साथ शिवम भैया। कैसे हो शिवम भैया? बढ़िया जी। तो आज फिलहाल छोटे स्टॉक से हम अपग्रेड कर चुके हैं बड़े स्टॉक पे। तो अब आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं ट्रक्स वगैरह। तो कोली गोदाम में फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे ट्रक्स की भी वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रक्स वगैरह के बारे में क्या यहाँ पे डिटेल्स वगैरह रहती है एंड कौन कौन इन्हें खरीद सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ट्रक्स तो जी आर्मी के सारे जैसे आपने देखा जीप सिप्सी देखते हैं आप जब भी आते हैं, वो 4x4 होती है। वैसे ट्रक भी 4x4 ही होते हैं। अच्छा, आर्मी की कोई भी गाड़ी आती है वो 4x4 ही होती है। ये ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जी बोरिंग बोरवेल पर्पस के लिए। ओके ओके। जैसे ऑफ रोडिंग के लिए जाना होता है, कैंपिंग वगैरह, राइट ज्यादा उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। एग्रीकल्चर यूज में जैसे कच्चे रास्ते में खेतों में चलाना होता है, ठीक है। गाड़ी जो बड़ी गाड़ी होती है वो अटक जाती है। ओके। वेट बहुत होता है, 4x4 डाल के गाड़ी निकल जाती है। तो मतलब ये जो 4x4 वाला सिस्टम है ये सिर्फ आर्मी के ट्रक्स में आता है, आर्मी में आपको प्राइवेट बाहर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टैलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रक है आर्मी में जो आपको देखने को मिलता है। तो इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह रहती है? कोई 4 लाख के अराउंड रहती है। 4 लाख के अराउंड। तो मतलब इसमें ये रनिंग में नहीं रहती जी, इसका हम इंजन स्टार्ट कर देते हैं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होता है जो कस्टमर परचेज करता है। ओके, मतलब इंजन स्टार्ट आप रैक करके देते हो। ओके, चलो तो बाकी ये काफी अच्छी बात है। बाकी और भी कई सारे ट्रक्स यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक स्टैलियन है यहाँ पे, देन उसके बाद छोटे में यहाँ पे आपको टाटा का 715C भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, 713 का भी यहाँ पे मॉडल देखने को मिल जाता है एंड अगेन 4x4 ही यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये भी काफी ज्यादा यूज आते हैं एंड इन्हें कौन कौन यहाँ पे ले सकता है? मोस्टली कस्टमर सेम ही रहता है जिन्होंने छोटे ट्रक की रिक्वायरमेंट होती है वो टाटा ले लेते हैं, जिनके बड़े ट्रक की रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं। एंड अगर किसी को एज अ प्राइवेट यूज के लिए लेना हो तो वो भी पॉसिबल है? जो एक्चुअली बोरिंग या कोई भी ऑफ रोडिंग करता है वो प्राइवेट यूज ही करता है। ओके ओके, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो बाकी गाइज आप यहाँ पे ट्रक्स की कंडीशन वगैरह चेकआउट कर ही सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको इसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह का काम करवाना ही पड़ता है। बाकी ये आपको जो है इंजन स्टार्ट वगैरह प्रॉपर यहाँ पे करके दे देंगे एंड अगेन इसकी भी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर सेम ही रहता है या कुछ डिफरेंट रहेगा? इसका अलग रहेगा थोड़ा डॉक्यूमेंट्स का। ओके। इसका जैसे कस्टमर होता है उसने बोरिंग बनानी है तो हम उनको आर्मी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, वो खुद अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को सपोज आपके थ्रू यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी चाहिए तो वो भी पॉसिबल है? करवा देंगे, उसका अलग से चार्जेस तो रहेगा। अच्छा, उसके अलग से चार्जेस रहते हैं। तो बाकी इसकी भी लाइफ पासिंग जो है 15 इयर्स की रहती है? ठीक है। तो गाइज ये आप यहाँ पे प्रॉपर चेक कर सकते हो। तो काफी सारे यहाँ पे ट्रक्स वगैरह अवेलेबल हैं एंड ये स्टॉक जो है वो चेंज होता रहता है। और अगर किसी को सपोज ट्रक्स के पार्ट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी मिल जाते हैं? ठीक है। एंड 4x4 गियर्स वगैरह किसी को चाहिए, हर एक चीज? ठीक है। तो अब चलते हैं वहाँ पे आगे वाली साइड, वहाँ पे भी कुछ ट्रक्स लगे हुए हैं तो उनके बारे में भी आपको जो है बता देते हैं। एंड ये छोटे ट्रक्स की प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है? इनकी रहती है कोई 325 से 350 के बीच। अच्छा, 325 से 350 के बीच में। ठीक है जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक और टाटा का यहाँ पे ट्रक देखने को मिलेगा। ये काफी पहले टाइम पे चला करता था, अब तो ये वाले ट्रक्स यहाँ पे छोटे बंद हो गए हैं। तो मॉडल एक बार मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, ये रहेगा 713 4x4 अगेन। तो ये फ्लैट फेस वाला यहाँ पे आपको ट्रक देखने को मिलता है। तो इसकी भी सेम प्राइसिंग रहेगी 320-325। ओके। तो अगेन ये भी आप एक मॉडल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एंड अगेन कंडीशन वाइज आप हर एक चीज़ इसको चेकआउट कर ही सकते हो एंड लीगल प्रोसीडिंग के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि क्या कागज़ वगैरह बनाने में क्या कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है, वो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। बाकी जब आप अगर लेते हैं इस ट्रक को तो प्रॉपर टायर्स वगैरह सब आपको लगा के रनिंग कंडीशन में यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो बाहर का खर्चा रहेगा या इंटीरियर इलेक्ट्रिकल वगैरह का, वो आपका अपना रहेगा। तो ये थे यहाँ पे ट्रक्स वगैरह के बारे में एंड अगर और भी कुछ आप लोगों को ट्रक्स के बारे में जानना है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपके लिए जो है जल्द से जल्द मैं क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड बाकी ट्रक्स ये थे प्रॉपर आज के स्टॉक में।
कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ट्रक्स के बारे में और क्या कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए तो वो मैं प्रॉपर आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाकी इससे ज़्यादा और ट्रक्स के बारे में मैं आपको क्या ही बता सकता हूं। तो जो जो मेन चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दी हैं शिवम भैया के साथ मिलकर, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह ना रहे। प्राइजिंग के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से बता दी है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इनकी प्राइजिंग क्यों इतनी ज़्यादा महंगी रहती है एंड क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं प्राइसिंग में जब ये ऑक्शन से खरीदी जाती हैं। तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट्स वगैरह जो है इनके रिगार्डिंग नहीं रहे होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर मिल जाएगा कोहली गोदाम का प्रॉपर, आप जो है कॉल करके जो है उनसे क्वेरीज वगैरह अपनी जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड मिलते रहेंगे आपको और ऐसी नई वीडियोज़ के साथ आर्मी स्टॉक के रिगार्डिंग या आर्मी डिस्पोजेबल स्टॉक के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द वीडियो।